आज मैं आपके साथ एक ऐसा हेयर ऑयल शेयर करने वाली हूँ जिसको लगाते ही आपके बाल दुगना तेजी से बढ़ने लग जाएंगे, पहले ज्यादा घने हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे एंड शाइनी हो जाएंगे। सब कैसे हो? सो गाइस मेरे चैनल नेचुरल स्किन केयर 517 में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस अगर आप अपने बालों से परेशान, अगर आपके बालों में बहुत ज्यादा डैंड्रफ हो गए, आपके बाल बहुत ज्यादा ड्राई हो गए, रूखे हो गए, सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, तो आज मैं आपके साथ जो होम रेमेडी शेयर करने वाली हूँ ना, इसको आप लगाओगे ना तो आपके गंजे सर में भी बाल उगने लग जाएंगे। सो गाइस मैं यहाँ पे फेंक नहीं रही हूँ, रियल मैं आपको बता रही हूँ कि आपके बाल पहले ज्यादा घने होने लग जाएंगे। आपके बाल पहले से ज्यादा देखोगे ना कि आपके बाल ना पहले से ज्यादा हैवी आपको नजर आएंगे। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा हल्के हैं कि आपका मन नहीं करता, आप कभी पोनी नहीं बनाते हो, लेकिन आपके बाल धीरे धीरे करके आपके बालों का जो वेट होगा ना वो बढ़ने लग जाएगा, यानी कि आपके बाल घने होने लग जाएंगे। कि आपके बाल घने हो, लंबे हो एंड स्वस्थ हो, तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी है। इसके बाद मैं आपको जो होम रेमेडी बताने वाली हूँ उसको आपको रेगुलर यूज करने, बहुत ही अच्छे आपको रिजल्ट मिले। टाइम जब आप इसको यूज करोगे तो पहली बार में आप देखोगे कि काफी हद तक आपके बालों का झड़ना कम हो गया है, और धीरे धीरे करके रेगुलर आप यूज करोगे तो आपके बाल पहले ज्यादा घने हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे, यानी कि मजबूत हो जाएंगे, जल्दी टूटेंगे नहीं, और धीरे धीरे करके आपके बालों की लेंथ भी बढ़ने लग जाएगी, साथ ही आपके बाल स्वस्थ हो जाएंगे। अगर आपके सर में बहुत ज्यादा डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो गई तो आपकी डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी दूर कर देगा। तो गाइस किसे नहीं पसंद होता कि यार बाल स्वस्थ हो, लंबे हो, घने हो, सबको पसंद होते, लेकिन सही तरीके से हम अपने बालों की केयर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से बाल झड़ने लग जाते हैं तो उनको रोकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, और हम और ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं जिसकी वजह से हमारे बाल और जल्दी जल्दी झड़ने लग जाते हैं। तो अगर आप अपने झड़ते हुए बालों को रोकना चाहते हैं, और अगर आपके बाल झड़ गए हैं उनको वापस से उगाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद जो मैं होम रेमेडी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उसको आपको पक्का लगाना है, तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा। सिर्फ बातों से रिजल्ट नहीं मिलने वाला, आपको ये होम रेमेडी यूज करनी पड़ेगी। अगर आप स्वस्थ, घने, लंबे बाल चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा एंड स्किप बिल्कुल भी नहीं करिएगा, आपके बहुत काम आने वाली है। और इस वीडियो को देखने के बाद लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कॉमेंट कर दीजिएगा। कमेंट तभी करिएगा जब आप इस होम रेमेडी को यूज करिएगा, यूज करने के बाद आपको रिजल्ट अच्छे मिले, फिर आइएगा, वीडियो देखिएगा एंड कमेंट करिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी हेल्पफुल वीडियो लाती रहूंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ओके चलो बढ़ते वीडियो की तरफ। तो इस हेयर ऑयल को बनाने के लिए सबसे पहले आपको साफ बाउल लेना है, उसके बाद आपको लेना है 5 से 6 लहसुन की कलियां। जी हाँ, आपको लहसुन लेना है जो आपके किचन में आपको आसानी से मिल जाएगी। लहसुन में ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो आपके बालों को पोषण देता है, यानी कि आपकी स्कल्प को पोषण देता है, जिसकी वजह से आपके बालों का झड़ना काफ़ी हद तक रुक जाता है। फर्स्ट टाइम आप यूज कर तो फर्स्ट टाइम आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, लगातार 1 महीने आप यूज कर लोगे तो पहले से ज़्यादा आपके बाल बहुत ज़्यादा घने हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, साथ ही आपके बाल बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। इसी के साथ आपको लेना है यहाँ पे कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल आपको लेना है, आप अपने बालों के लेंथ के हिसाब से कोकोनट ऑयल लें, 1 चम्मच 2 चम्मच, जितने भी लंबे आपके बाल है, तो यहाँ पे मैंने 1.5 चम्मच के आसपास ले लिया है। इसके बाद आपको क्या करना है, या तो आप पेस्ट बना के इसमें जूस निकाल के डाल सकते हैं, या जिस तरीके से मैंने लहसुन को हल्का से कूट लिया है, अब ऑयल डाल दिया। इसके बाद आपको इसमें कुछ मेथड यूज करना है, यानी कि डबल बॉयल मेथड यूज करना है। आपको गर्म पानी लेना है, अच्छा तेज गर्म पानी होना चाहिए, उसमें इस बाउल को रख देना है। अब आपको जितनी भी गुणवत्ता लहसुन की है सारा इस ऑयल में आ जाएगी, तो इसके लिए आपको कम से कम 10 मिनट तक इसको ऐसे रखने देना है। 10 मिनट बाद आप इसको अच्छे से चला लीजिएगा, अच्छे से चम्मच से मिक्स कर लीजिएगा, और इसको छान के इसका ऑयल निकाल लीजिएगा और अपने बालों में इसको अप्लाई करिएगा। आप जब अप्लाई करोगे तो आप देखोगे कि आपके बाल पहले से ज़्यादा, आप अगर आपके बाल ना झड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो बिल्कुल स्टॉप हो जाएंगे। जब फर्स्ट टाइम आप इसको लगाने के बाद वॉश करने जाओगे ना, फर्स्ट टाइम ही आपको रिजल्ट दिख जाना है। आप इसको यूज करने के लिए मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप इसको अगर आपके बाल बहुत बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, जैसे होता ना किसी के कि ऐसे हाथ पे आ गए, तो आपको क्या करना है, 3 से 4 घंटे अपने बालों में रखना है। लेकिन अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा नहीं झड़ रहे हैं, हल्का फुल्का झड़ रहे हैं, 2 घंटे रखना है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं तो हाँ, इसकी स्मेल थोड़ी सी स्ट्रांग होती है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अच्छे से आपको अपने स्कैल्प में लगाना है, मसाज करना है,
कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए छोड़ देना है। इसके बाद जाके आप अपना शैम्पू यूज कर लें। तो शैम्पू भी आपको किस तरीके से यूज करना है, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, डैंड्रफ हो गया, तो शैम्पू को पहले पानी में घोल के फिर अपने बालों को वॉश करिएगा। इससे आपके बालों को काफ़ी हद तक झड़ना कम होता है। और अपने बालों की लेंथ में लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना, ठीक है। तो अच्छे से 10 से 15 मिनट तक मसाज करना है। मसाज करने के बाद आप जूड़ा बना लीजिए और इसको छोड़ दीजिए और जाके 5 से 6 घंटे बाद धो लीजिए। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा नहीं झड़ रहे हैं, नॉर्मल झड़ रहे हैं, तो आप 2 से 3 घंटे भी इसको रख सकते हैं और इसके बाद जाके वॉश कर लीजिएगा। गाइज मैं आपको सच बता रही हूँ, फर्स्ट टाइम आपको रिजल्ट इसको देखने का मिल जाएगा कि आपके बाल धीरे धीरे करके, अगर हफ्ते मतलब फर्स्ट टाइम लगाओगे या पहले हफ्ते लगाओगे, दूसरे हफ्ते लगाओगे, रिजल्ट आपको खुद देखने को मिल जाएगा। सो गाइस यहाँ पे मैंने इसको लगा के रख लिया था 1 से 1.5 घंटे के लिए, क्योंकि मेरे बाल उतना ज़्यादा नहीं झड़ रहे हैं। जब मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लग जाते हैं कभी कभार, जब मैं स्किन जब हेयर केयर नहीं करती हूँ तो मेरे बाल झड़ने लग जाते हैं। ऐसा नहीं कि मेरे बाल झड़ते ही नहीं है कभी, तब मैं इसको यूज करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छे बेनिफिट मिलते हैं। लेकिन लगातार मैं कोई ना कोई हेयर पैक या हेयर मास्क अच्छे से मैं अपने हेयर केयर करती रहती हूँ। तो मैंने इसको 1 से 1.5 घंटे रखा अपने बालों में, इसके बाद जाके मैंने शैम्पू कर लिया और आप देख सकते हो कि मेरे बाल कितने ज़्यादा शाइनी लग रहे हैं, सॉफ्ट लग रहे हैं। तो आप इस चीज़ को जरूर यूज करिएगा। लड़के भी यूज कर सकते, अगर लड़कों के बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं तो लड़के भी यूज कर सकते हैं, लड़कियां भी यूज कर सकती हैं। हाँ, अगर लड़की यूज करेंगे तो उनके बाल भी तेजी से बढ़ने लग जाएंगे, तो उनको हफ्ते दर हफ्ते शायद कटवाने जाना पड़ेगा। लेकिन लड़कियों को तो लंबे बाल ही चाहिए भाई। तो अगर लंबे बाल चाहते हैं, घने चाहते हैं, आपके बालों में डैंड्रफ हो गया है तो उसको स्टॉप करना चाहते हैं, तो इस ऑयल को आप जरूर लगाइए। बहुत अच्छे आपको रिजल्ट इसके मिलने वाले हैं। एक तो आपकी किचन में चीजें अवेलेबल हैं और आपको ज्यादा कुछ मैंने ताम झाम नहीं करते हो। जो मुझे सबसे बेस्ट लगता है कि जब मेरे बाल झड़ने लगते मेरे पास टाइम नहीं होता, तो मुझे सबसे बेस्ट ऑप्शन यही लगता है कि बस लहसुन लो, ऑयल में मिक्स करो, अप्लाई कर लो।